नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुन्ना आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल VIP। दोस्तों, पैसे कमाने का बहुत ही आसान तरीका मुझे ऑलरेडी मालूम नहीं था, मुझे एक बंदा ने ऑलरेडी कमेंट किया है। बहुत ही आसान तरीका, आप भी देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएगा। आप यहां पे कमेंट चेक कर सकते हैं, यहां पे लिखा है कमेंट क्या है, आप यहां पे देख सकते हैं। हमारे घर का फैमिली मेंबर के सभी मेंबर का एक एक करके बैंक खाता ओपनिंग करेंगे और सारे बैंक खाता में हम डिपॉजिट करेंगे पैसा और अपना CSP के माध्यम से डेली हम विड्रॉ करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, तो क्या हमें कमीशन मिल जाएगा, कमीशन मिल सकता है और कमीशन किस प्रकार से मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा भी ख्वाहिश है बहुत सारे लोगों का कि बहुत ही आसानी में ट्रांजेक्शन करके पैसे कमाई करना चाहते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है और कितना बड़ा नुकसान है अभी उसको मालूम नहीं है। तो हम आपको जानकारी देते हैं इसे क्या नुकसान है और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उससे क्या फायदा हो सकता है और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, आप लोगों को ऐसा ही लेटेस्ट जानकारी मिलता रहेगा। तो देखो, APS पोर्टल आप कुछ भी चलाओ, कोई भी कंपनी का चलाओ या फिर CSP कोई भी चलाओ, उसमें कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वहां पे जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं आपका इंस्टेंटली TDS कट लिया जाता है, लेकिन अकाउंट में आता है मैट आप कौन सा बैंक का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंकों का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है। बहुत सारे बैंकों में मंथली 10,000 रुपया ट्रांजेक्शन लिमिट देता है, बहुत सारे बैंक खाते में 30,000 देता है, 50,000 देता है और बहुत सारे खाते में 1,00,000 तक का ट्रांजेक्शन लिमिट देता है। तो ऐसे में आपका बैंक खाता कौन सा है आपको वो देख लेना जरूरी है। उसके बाद भी अगर आपका बैंक खाते में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन लिमिट रहता भी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कि आपका TTS कटे या तो फिर आपका बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने के बाद जैसे आप विड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो उस समय भी आपका बैंक अकाउंट को होल्ड कर दिया जा सकता है, क्योंकि इनवैलिड ट्रांजेक्शन माना जाता है, वो एक फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है। आप एक ही बैंक खाते में रोज पैसा डिपॉजिट करेंगे और रोज ट्रांजेक्शन करेंगे, विड्रॉ करेंगे, इंस्टेंट डिपॉजिट करेंगे और इंस्टेंट विड्रॉ करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना बैंक खाते में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और 2 दिन बाद 4 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अपना बैंक ट्रांजेक्शन लिमिट चेक करना होता है, अदरवाइज आपका पैसा फंस सकता है और आप पैसा नुकसान हो सकता है।